हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी फार्मेसी इंडिया स्टूडेंट्स सो आज इस वीडियो में एक और वन शॉट के साथ आपके सामने टॉपिक है ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन वन शॉट एक ऐसी सीरीज जहां पर आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट यहां पर डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा यह आपका फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और मैं यहां पर सिंपल सी एक बात बता दूं अगर आपको इन चीजों के सबके नोट्स आपको रिक्वायर्ड हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में आप उसको ज्वाइन कर ले तो वहां पर आपको ये नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगा ठीक है और बहुत सारे लिंक्स दिए गए हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया को लेटेस्ट अपडेट के लिए तो चलिए अब शुरू करते हैं सबसे पहले ऑप्थेलमिक के बारे में ऑपथेलमिक आखिरकार क्या होता है मतलब कहीं ना कहीं आंखों से रिलेटेड आपने देखा होगा जब आप आई ड्रॉप डालते हैं तो उस पर भी लिखा रहता है ऑपथेलमिक तो ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन ये वो ऐसी प्रिपरेशन जो आईज के केयर में यूज की जाती हैं मतलब दवाइयां मेडिसिन आई ड्रॉप ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन के कैटेगरी में आ रहा है जो आई के आई में यूज किया जा रहा है अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करूं यहां पर कि मेनली ऑपथेलमिक होता क्या है तो ऑप्थेलमिक हमारा एक ऐसा आई प्रिपरेशन है जो कि स्ट्राइल होगा लिक्विड भी हो सकता है सेमी सॉलिड या सॉलिड भी हो सकता है अब स्टराइल का मतलब यहां पर है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर नहीं होना चाहिए तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को डिफाइन किया गया है ठीक है स्टराइल होगा लिक्विड हो सकता है सेमी सॉलिड हो सकता है सॉलिड हो सकता है जो कि जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई होते हैं एपीआई ठीक है याद रखिएगा जो कि हम अपने आई में अप्लाई करते हैं या मेनली आई लीड्स पर अप्लाई करते हैं सो दैट इज ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन अब इसके बाद मैं यहां पर बात करूं कि एक ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की आखिरकार कैरेक्टेरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए मतलब एक दवाई जो है वो आईज में अगर यूज कर रहे हैं तो उसकी कैरेक्टेरिस्टिक क्या होनी चाहिए भाई देखो आंख बहुत सेंसिटिव पार्ट है ठीक है याद रखिएगा आंख बहुत सेंसिटिव पार्ट है अब यहां पर याद रखिएगा अब आंख क्यों सेंसिटिव पार्ट है एक छोटा सा जोक में यहां पर अगर सुना दू एक गाना सुना होगा आंखियों से गोली मारे अगर आंख ही नहीं होती तो कहां से गोली मारते भाई तो यहां पर आंख एक इंपॉर्टेंट पार्ट है तो ऑप्थेल में अब यहां पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है सीधी सी बात कि यह स्ट्राइल होना चाहिए मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होना चाहिए दूसरा आइसोटोनिक होना चाहिए आइसोटोनिक का मतलब जो आपकी आंख का जो आपके नयन का अंदर का इन्वायरमेंट है उसी के जैसी आप दवाई डालेंगे तो इचिंग कम होगी अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल एक, एक दे दू आपको कभी दृष्टि ड्रॉप डाली है डाल के देखना सात जन्मों की आत्मा ना छूटेगी तो वो आइसोटोनिक नहीं है मतलब सेम इन्वायरमेंट जो अंदर की पीएच उसी के जैसा हम फ्लूड अगर यूज करें तो दिक्कत नहीं होगी तो यहां पर बोला प्रोडक्ट मस्ट बी आइसोटोनिक विद लेक्राइमल सिक्रीशन लेक्राइमल सिक्रीशन होता है जो आंखों से आंसू टपकते हैं दैट इज लेक्राइमल सिक्रीशन टू अवॉइड डिस्कंफर्ट एंड इरिटेशन ठीक है उसी के बाद पीएच हमारी सात पॉइंट चार होनी चाहिए इरिटेशन को अवॉइड करने के लिए पूछा जा सकता है कि सेवन पॉइंट फोर होनी चाहिए कि कितनी होनी चाहिए भाई सेवन पॉइंट फोर होनी चाहिए ठीक है व्हीकल जो हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर अच्छी वेटिंग एबिलिटी होनी चाहिए और पेनीट्रेटिबिलिटी मतलब पेनिट्रेट कर सके दूसरा प्रिपरेशन की जो विस्कोसिटी हो पंद्रह से पच्चीस सेंटीपॉइज होनी चाहिए यह चीज याद रखिएगा यहां पर क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं ना अब आगे बात करूं मैं यहां पर तो ड्रग कौन कौन सी यूज होती हैं आईज में थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पर बता देता हूं क्वेश्चन पूछा जा सकता है पिलोकार्पिन हमारा माइटिक्स में यूज किया जाता है एट्रोपिन मिड्रियाटिक में यूज़ किया जाता है कॉर्टिकोस्टोरॉइड एंटी इन्फ्लोमेट्री में यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल में मेनली एंटी इन्फेक्टिव एंटी ग्लूकोमा ड्रग सोडियम फ्लोरोसिन डायग्नोस्टिक ड्रग और टेट्राकेन हमारा एनेस्थेटिक्स में यूज किया जा रहा है याद रखिएगा कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पिलोकार्पिन किस तरह से यूज किया जा सकता है ठीक है या एट्रोपिन किस तरह से यूज किया जा सकता है तो ये चीजें पूछी जा सकती हैं आगे अगर मैं बात करूं यहां पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी ड्रग की एवेलेबिलिटी या ड्रग की मेनली उसकी एवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं मतलब ऐसा कौन कौन सा दुश्मन है हमारी आंख में जो कि ड्रग को घुस घुसने नहीं देगा तो सबसे पहली बात रैपिड सॉल्यूशन ड्रेनेज आंखों से सिसक सिसक के आंसू टपकने लगते हैं जैसे ही कोई आई ड्रॉप डाली तो आई ड्रॉप डाली और आंसू निकलने लगे अब आंसू निकलने लगे तो वो क्या दवाई को टिकने देगी दवाई को कहां टिकने देगा भाई आपने आई ड्रॉप डाली तो तुरंत की तुरंत आंसू तो वो तो धुल गई ना वो तो, तो दवाई भी निकल गई तो यहां पर बोला ये सबसे बड़ा फैक्टर है ये नहीं अवेलेबिलिटी होने देगा दूसरा वॉल्यूम एडमिनिस्टर्ड बाय नॉर्मल ड्रॉपर एस ड्रॉप इज 50 माइक्रोलीटर मतलब एक पर्टिकुलर वो डालें पर्टिकुलर वॉल्यूम डालें दूसरा नॉर्मल वॉल्यूम कितनी होती है टीयर की सात माइक्रोलीटर इसकी वजह से बड़ा दिक्कत ब्लिंकिंग आई कैन एकोमोडेट ब्लिंकिंग मतलब पलक झपकते रहते हो पकड़ते ना आंख ऐसे पकड़ लेते हैं तब डालते हैं ड्रॉप तो ये भी एक सबसे बड़ा दिक्कत है नॉर्मली बीस से पच्चीस मोरोलीटर ऑफ ड्रॉप इज लॉस्ट एज स्पॉयलेज मतलब ब्लिंक के आधे से ज्यादा दवाई तो ड्रेनेज में जो आंसू निकलते हैं उसकी वजह से खराब ठीक है तो कहीं ना कहीं ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी दवाइयों को एंटर नहीं होने देते हमारी नयन में हमारी आखियां में सीधी सी बात को समझिएगा चलिए आगे मैं बात करूं कि भाई एक ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को बनाने में एक ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को बनाने में किन किन चीजों का ध्यान रखा जाए क्या क्या जरूरतें हैं वो कहते हैं ना मेरी जरूरतें कम है तभी मेरी बाजुओं में दम है बाजीराव सिंगम यहां वही डायलॉग सूट होता है जरूरतें हैं भाई क्लैरिटी होनी चाहिए वो फिल्ट्रेशन से कर देंगे स्टेबिलिटी होनी चाहिए मतलब टीयर की जो पीएच है इसके हिसाब से होनी चाहिए ठीक है बफर सिस्टम ठीक है बफर मतलब पीएच को जो मेंटेन कर सके पीएच को जो मेंटेन कर सके मतलब पीएच को चेंज होने से बचाए ठीक है विस्कोसिटी पंद्रह से पच्चीस सेंटीपॉइज स्टेबिलिटी हम कर लेंगे ऑटोक्लेव में जो कि मोइस्ट हीट स्टेलाइजेशन का एग्जाम्पल है मोइस्ट हीट स्टलाइजेशन का एग्जाम्पल है याद रखिएगा ठीक है उसी के बाद जो पार्टिकल साइज है वो 10 माइक्रोमीटर से कम होना चाहिए जिसकी वजह से इरिटेशन ना हो ठीक है तो ये रिक्वायरमेंट है हमारी एक ऑपथेलमिक प्रिपरेशन को बनाने के लिए उसी के बाद मैं अगर बात करूं ऑपथेलमिक कंटेनर्स की ठीक है अगर अब कंटेनर आपने देखा होगा बहुत सारे प्लास्टिक्स भी होती हैं ग्लास भी होता है तो यहां पर मैं प्लास्टिक की अगर बात करूं प्लास्टिक में हमारा फ्लेक्सिबल पोलीथाइली और या पीवीसी या पोली एम या टेफ्लॉन जो कि पोली टेट्राफ्लोरिन होता है या पोली ग्लास के केस में हम टाइप वन यूज करते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेटल ट्यूब के केसेस में हम एल्यूमिनियम ठीक है ऑइंटमेंट ट्यूब्स के केसेस में हम इसको यूज करते हैं इरिटेटिंग जो सॉल्यूशंस होते हैं मेनली उसमें हम इसको यूज किया करते हैं ठीक है पॉइंट क्लियर है ऑप्थेलमिक कंटेनर्स प्लास्टिक एल्यूमिनियम्स और ग्लास ग्लास में भी टाइप वन आप इसको यूज करेंगे उसी के बाद अब मैं यहां पर आगे बात करता हूं सॉल्यूशन, ठीक है सॉल्यूशन भी हम यूज कर सकते हैं सॉल्यूशन विद इसको इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर इंजेक्टेड इनटू टू दी आई ड्यूरिंग सर्जरी टू प्रोवाइड मैकेनिकल बैरियर बिटवीन टिश्यूज एंड अलाउ द आई सर्जन मोर स्पेस मतलब उसको समय मिल जाता है ठीक है सॉल्यूशन जब हम यूज कर रहे हैं मतलब सर्जन को बहुत आसानी होती है सर्जरी करने में फिर ठीक है नेक्स्ट uh, है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑपथेलमिक प्रोडक्ट कि आखिरकार एक ऑप्थेलमिक प्रोडक्ट को बनाने में किस किस चीजों की जरूरत लगेगी सबसे पहले अब यहां पर आप देख सकते हैं हमारा भाई ड्रग भाई ड्रग ठीक है जिससे हमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी मिलेगी पहला एपीआई है दूसरा व्हीकल लिक्विड एडिटिव ठीक है स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए अब एक्टिव इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करूंगा तो ये तो अपना रिस्पॉन्सिबल है दूसरा एडिटिव में क्या क्या, क्या प्रिजर्वेटिव जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज की ग्रोथ को रोक दे सरफेक्टेंट सरफेस टेंशन को कम कर दे या इंटरफेशियल टेंशन को कम कर दे ठीक है एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए विस्कोसिटी मॉडिफायर विस्कोसिटी 15 से 25 इतना करने के लिए इसलिए हम यूज करते हैं इसको ठीक है बफर्स टू मेंटेन द पीएच पीएच मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं टू मेंटेन पीएच ठीक है उसी के बाद टोनिसिटी आइसोटोनिक बनाने के लिए मतलब सात पॉइंट चार पी होनी चाहिए इस तरीके से पीएच को मेंटेन करने के लिए तो हर एक चीज का मैंने आपको यहां पर यूज बता दिया इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं, अब आपके सामने प्रिजर्वेटिव की तो प्रिजर्वेटिव यहां पर आपके सामने एग्जाम्पल विद्यर कंसंट्रेशन परसेंटेज कंसंट्रेशन रेंज के साथ यहां पर दिया गया है आप देख सकते हैं बेंजलकोनियम क्लोराइड पॉइंट ठीक है क्लोर एक्सिडीन एसिटेट पॉइंट सॉल्ट पॉइंट जीरो जीरो वन पॉइंट जीरो जीरो फोर की इस रेंज में मिथाइल पैराबीन या प्रोपाइल पैराबीन फोर टू वन की रेशो में हम यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव जो कि हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने में मदद करता है उसी के बाद सरफेक्टेंट की बात करूंगा आपने देखा था सरफेक्टेंट में वेटिंग अच्छी होनी चाहिए वेटिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए तो सरफेक्टेंट यही काम करता है यहां पर बोला कि सरफेक्टेंट हम जो यूज करेंगे वो वेटिंग एबिलिटी को अच्छा इंप्रूव करेगा ठीक है जैसे कि पोलिसोरबेट ट्वेंटी एटी डायोक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सीनेट ये हमारे सरफेक्टेंट के एग्जाम्पल हैं सरफेक्टेंट जो बच्चे नहीं जान रहे हैं मैं यहाँ पर फिजिकल फार्मेसी में भी पढ़ाऊंगा सरफेक्टेंट कुछ इस तरीके का होता है हाइड्रोफिलिक हेड होता है हाइड्रोफिलिक हेड होता है और लिपोफिलिक टेल होता है लिपोफिलिक टेल होता है लिपोफिलिक टेल होता है याद रखिएगा लिपोफिलिक टेल होता है ठीक है ये होता है ठीक है सरफेक्ट इसी और इसी को मेनली एक्सप्लेन करने के लिए हमारा एच आया था एच किसने दिया था ग्रिफिन ने दिया था ग्रिफिन ने, ने दिया था याद रखिएगा ग्रिफिन ने ग्रिफिन साइंटिस्ट का नाम है 1949 में 1949 में उसी के बाद नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है एंटी जो हमारा मेनली ऑक्सीडेशन को रोक दे प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन यहां पर लिखा हुआ है प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ठीक है एग्जांपल है सोडियम बाईसल्फाइड ठीक है क्लियर है उसी के बाद एंटीऑक्सीडेंट के यहां पर एग्जांपल है ठीक है यहां पर दिए गए हैं सोडियम सल्फाइट आप यूज कर सकते हैं पॉइंट वन में सोडियम मेटाबाइसल्फाइट सोडियम एडिटेट एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम वाइटामिन सी के नाम से जानते हैं ठीक है एसिटाइल सिस्टीन ठीक है चलिए ना नेक्स्ट है विस्कोसिटी मॉडिफायर बाई विस्कोसिटी मॉडिफायर हमें पता है कि पंद्रह से पच्चीस सेंटीपॉइज होनी चाहिए सी होनी चाहिए तो हम विस्कोसिटी को मॉडिफाई इसी तरह से कुछ करेंगे ठीक है यहां पर याद रखिएगा ठीक है विस्कोसिटी मॉडिफायर क्यों हम ऐड कर रहे हैं देखिए हमने दवाई डाली हम क्या चाहते हैं भाई एक एक पेशेंट पेशेंट क्या चाहता एक ये चाहता है है कि हमने अपने में दवाई डाली और हमें अच्छा एक्शन मिले हमारा पेशेंट खुश हो या हम खुश हो भाई तो उसके लिए दवाई आंख में रहने की भी तो जरूरत है तो वो क्या कर रहा है कांटेक्ट टाइम बढ़ जा रहा है उससे विस्कोस इतना मतलब थिक हो जा रहा है या तो लेट सपोज मैं आकर कह दूं एक तो पानी डाल दिया पानी तुरंत निकल गया एक आपने शहद डाल शहद चिपक गया तो विस्कोसिटी कहीं ना कहीं कांटेक्ट टाइम बढ़ा रही है कि दवाई थोड़े टाइम तक रुकेगी हमारी आंख में ठीक है चलिए तो विस्कोसिटी मॉडिफायर के यहां पर एग्जांपल्स बहुत जरूरी हैं मैं यहां पर एक चीज आपको क्लियर कर दूं ये हर एक चीज का एग्जांपल हमारे लिए बहुत जरूरी है ठीक है विस्कवासिटी मॉडिफायर में हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार करने वाला वॉटर लविंग जो होता है वाटर लविंग जो होता है ठीक ठीक है, Cellulose derivative में, MC, और HEC, ठीक है, में gum, polyvinyl alcohol, polyacrylic acid concentration में और इस कंसंट्रेशन में हम यूज करते हैं ठीक है एग्जाम्पल से हमेशा हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये याद रखिएगा। उसी के बाद मैं यहां पर बात करता हूं बफरिंग एजेंट बफरिंग एजेंट क्या करता है देखिए बफरिंग एजेंट पीएच को रोक कर रखता है पीएच को मेंटेन कर, कर रखता है किसी भी फॉर्मुलेशन में किसी भी फॉर्मुलेशन में किसी भी फॉर्मुलेशन की अगर पीएच चेंज हो रही है तो हमारा बफरिंग एजेंट क्या करता है उसको स्टेबल या उसको ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है तो यहां पर बोला गया इंक्लूडेड टू मिनिमाइज एनी चेंजेस इन पीएच ठीक है जब उसको रख रहे हैं स्टोरेज ड्यूरिंग स्टोरेज ड्यूरिंग यूसेज ठीक है फैक्टर्स नीडेड टू बिफोर एडजस्टिंग द पीएच दे आर मतलब पीएच स्टेबिलिटी फॉर्मुलेशन की होनी चाहिए स्टोरेज के ड्यूरेशन रहनी चाहिए ठीक है क्योंकि अब यहां पर हमारी पीएच मैंने क्या किया जो लेक्राइमल फ्लूड है जो आंख का फ्लूड है उसकी पीएच की जो रेंज होती है वो सेवन पॉइंट टू टू होती है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप इसको याद रखेंगे नेक्स्ट है बफरिंग एजेंट के एग्जांपल मैं यहां पर बता दूं एसिटिक एसिड एंड सॉल्ट इसकी पीएच इतनी ठीक है कंसंट्रेशन इतना सिट्रिक एसिड 1.5 टू 6 एसिड एसिड टू 10.2 फास्फोरिक 8.2 ठीक है और यहां पर दिया गया है कंसंट्रेशन अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो 1 टू 2 1 टू 5 1 टू टू पॉइंट एट टू टू ठीक है ये याद रखिएगा ये कंसंट्रेशन है हमारी किसकी बफर की अब नेक्स्ट है मैं बात करूं टोनिसिटी एडजस्टर्स टोनिसिटी एडजस्टिंग एजेंट्स की टोनिसिटी एडजस्टिंग का मतलब सीधी सी बात है भाई हमारा आइसोटोनिक होना चाहिए आइसोटोनिक होना चाहिए अब अगर आइसोटोनिक नहीं हुआ आइसोटोनिक नहीं हुआ तो क्या होगा इरिटेशन होगी इरिटेशन होगी याद रखिएगा इरिटेशन होगी तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत हो सकती है इरिटेशन होगी उस इरिटेशन को कम करने के लिए हमें आइसोटोनिसिटी मेंटेन करनी पड़ेगी आइसोटोनिसिटी एल सी तो अब जो आइस आई जो है हमारी अब जब आंख में साबुन चली जाती है तो कितनी इरिटेशन होती है तो इसका मतलब वो आइसोटोनिक नहीं है तो उसकी भी एक रिलेशन दे दी कि हाँ इतना झेल सकते हैं टू वन पॉइंट ऑफ एन इतना आई टोनिसिटी टोलरेट कर लेगी ठीक है याद रखिएगा अब टोनिसिटी एडजस्टिंग एजेंट के एग्जाम्पल क्या है NaCl, KCl, बफर सॉल्ट डेक्सट्रोज, PEG और मैनिटोल मेनली हम इनको टोनिसिटी एडजस्टिंग एजेंट भी कह सकते हैं और ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे और आइसोटोनिक बनाने में मदद करते हैं ठीक है चलिए नाउ नेक्स्ट है हमारा अदर एजेंट्स कौन कौन से है? आ, बाकी के एजेंट्स हैं जैसे कि वेटिंग सॉल्यूशन पीवीपी सेलुलोज डेरिवेटिव पीवीए सोकिंग सॉल्यूशन क्लोर एक्सीडीन बेंजलकोनियम क्लोराइड ठीक है और मेनली हमारे कौन कौन से जो होते हैं टेस्ट होते हैं क्लैरिटी स्टेरिलिटी और टोनिसिटी ये हमारे तीनों इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो कि एक ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन के लिए होने चाहिए ठीक है चलिए ना आगे मैं बात करता हूं कॉन्टेक्ट लेंस की आपके सामने यहां पर कॉन्टेक्ट लेंस क्या होता है कॉन्टेक्ट लेंस सीधी सी बात है या तो आपकी अपियरेंस को इंप्रूव करने के लिए आईसाइट में भी अब आजकल यूज करने लगे हैं क्योंकि स्पैक्स अवॉइड करने लगे हैं सो दीज काइंड ऑफ मेनली कॉड पीसेज ऑफ प्लास्टिक ठीक है हम मेनली डायरेक्टली यूज करते हैं हम अपने कॉर्नियर पर इसको कवर कर लेते हैं तो इसमें हमें मदद मिलती है अपीयरेंस में या विजन में भी ठीक है चलिए नाउ नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं ये चीज याद रखिएगा ठीक है यहां पर मैं बता देता हूं आइसोटोनिसिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड पॉइंट नाइन परसेंट एन एस ठीक है हम आइसोटोनिक सोल्यूशन को कैलकुलेट करने में इसको यूज करते हैं क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है मैक्सिमम क्लैरिटी अगर हमें चाहिए ठीक है और हाइड्रेशन और विस्कोसिटी तो हम क्या यूज करेंगे मिथाइल सेलुलोज आपने देखा होगा बहुत सारी दवाइयों पर मिथाइल सेलुलोज लिखा रहता है तो ये क्लैरिटी और विस्कोसिटी में मदद करता है हाइड्रेशन में मदद करता है ठीक है अब यहां पर एक पॉइंट आता है कि हम कौन से टेस्ट से मदद करेंगे या कौन से टेस्ट से चेक करें इरिटेशन टेस्ट तो ये होता है ड्रेज आई टेस्ट ठीक है ड्रेज आई टेस्ट हम इरिटेंसी को चेक करने के लिए करते हैं अपनी ऑपथेलमिक प्रिपरेशन में ठीक है सो आई होप स्टूडेंट्स आपको अपथेलमिक प्रिपरेशन का पूरा आइडिया लग गया होगा कि हमने क्या पढ़ा क्या होता है वन शॉट में और मजा आया होगा इसी तरह से जुड़े रहें फार्मेसी इंडिया के साथ बहुत सारी वीडियोस आना बाकी है तब तक के लिए पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, जय हिंद